टू बिगिन विद कीमा हमने भून लिए बहुत अच्छे तरीके से और ऑयल को हम कम डाला है क्योंकि जब करेलों को हम भरेंगे तो उसको हम फ्राई करेंगे ना वो भी ऑयल में होगा तो ऑयल फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं बता देती हूँ कि इस भुने हुए ये देखिए कितना सुर्ख है इस भुने हुए कीमे में मैंने क्या कुछ डालना जरा क्लोजअप दिखाने कीमे का में जाएगा जितना कीमा है उतना ही प्याज ठीक है जितना कीमा उतना प्याज ठीक है बारीक कटा हुआ बारीक जितना डले आपको पता करेले और प्याज का चोली दामन का साथ है भिंडी करेला ये वाली सब्जियों का टेस्ट बड़ा एनहेंस हो जाता है विद ये। मैंने कहा गर्मियां शुरू होने से पहले अपने व्यूअर्स को ये वाली रेसिपी ना दी तो ये बड़ी ज्यादा वाली बात है क्योंकि अब करेले आ गए हैं और करेले तो फिर पकते ही रहेंगे। अंजुम जी करेला मुझे लगता है साल के काफी महीनों में अवेलेबल होते हैं। अब तो मुझे होते हैं अब तो जरा ऐसी पहले गर्मियों की सब्जी कंसिडर वैसे ये गर्मियों की सब्जी होती है। इधर बकावर में ये काट के रख दिए हैं टमाटर छोटे छोटे और हरी मिर्चें ये देखिए ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया देखे तो देखे इसमें खुशबू जो आ रही है दर दर और अभी तो इसके ऊपर सोने पे जो सुहागा क्या क्योंकि मैं मुझे बड़ी मैं जज्बाती हो गई हूँ सोने पे सुहागा ये कि ये हमारा मिक्स चार है इसको रैंडमली एक भरे ना अच्छी सी ये एक चम्मच और वो इसमें आप डाल दें ठीक है। अब इसमें हमारे कीमे में अचार की खुशबू भी शामिल हो गई मुझे जब आपको पता है कि करेले बन रहे हैं और करेले मैं बना रही हूँ बड़े शौक से तो आपको बीच में जोक्स नहीं करने चाहिए ठंडे जुकते ना मारूं ना मारे गरम मारता हूँ ये हो गया हमारा लुक ऑफ। अच्छा यहीं पर भी हम इसको खड़े मसाले वाला कीमा अगर आपने बनाना हो ना यकीन करें कि ये वैसे भी खाना इसके अंदर कोयले का कर ले आप एक वो कौन एक होती है बारबेक्यू वाली खुशबू खुशबू तो वो वाला फ्लेवर अगर आपने करना है तो वो करके आप इस तरह ही उतार लें ठीक है। लेकिन हम भरने लगे हैं इसमें करेले इसमें भरने लगे या ये करेले भरने लगे गाइस मैं सही पढ़ा बहुत सही पढ़ा है सही पढ़ा से मेरा जो है ना वो अब चोली दमन का साथ है मैं मुझे आपसे ना तंग आ गई हूं ये इसको चमचा मारो खड़चा मारो आपको चमचा मारो अच्छा तुम भी सीखती जा रही है जूते मुझे भी आती हैं जी ठंडी इसको अब हम निकाल लेते हैं ठीक है मैं आपको अब आप उधर आ जी ये हमने निकाल लिया कीमा इसमें ताकि थोड़ा सा या गरम गरम भाप नहीं कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ही हो जाए ठंडा हिला ये हमारा कीमा हो गया इतना मजे का वाजे लग लग रहा है ना ये वैसे जब तक कीमा ठंडा हो रहा है हम चीजों को संभाल लेते हैं और ये जो करेले तो दो मिनट में हम भर लेंगे ना उसके लिए हमने यहाँ पे ऑयल हल्की आग पे रख देना गरम होने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेलों को भरेंगे और यहाँ पे करेंगे फ्राई हैंड्स अप हैंड्स अप तो हम करेंगे जनाब करेलों को यहाँ पे फ्राई और उसके बाद हम कीमे में जो बाकी बच जाएगा उसमें हम दम दे के जी मैं क्या कर रही हूँ मुझे डांट क्यों ले रहे नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब अम्मी ये बनाती थी जब ये अम्मी बनाती थी उस वक्त हमने कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इसका ब्लॉग बना रहे होंगे ना मुझे पता था अब मुझे समझ आ गई है जब मैं बना रहा हूँ करेले और पावर अब हम करेंगे ऑपरेशन क्या करेंगे ऑपरेशन अब नेक्स्ट ऑपरेशन शुरू हो गया ये हमने ना करेले बड़े दिनों से छील के और इनकी वो हमने सारी की भी थी मतलब नमक लगा के रखा है ना मुझे बाजे धो के रखा है तुम्हें पसंद है करेले बहुत बाजे मुझे तो पसंद किस चीज से भरे हुए मुझे तो बाजे कीमे के भी अच्छे लगते हैं लोग दालों डाल के भी बढ़ते हैं हाँ हाँ मेरी नानी भी बनाती थी
लेकिन करेले बखतावर जो है ना वो भरते को भरते कह गई है। अच्छा अच्छा, एक मैं भर के दिखा देती हूँ, ये देखें, इसको हमने कीमे से यूं करके भरा, इतना भी ना हो कि ये मतलब अप्रोक्सीमेट ना हो, ऐसे ना ये भर के, तो अब ये बंद भी हो जाएगा ना यूं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ये धागा कर देना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम इसको, मैं तो यहाँ से यूँ स्टार्ट कर लेती हूँ यूँ, ज्यादा ना करो। मैं तो बचपन में ना करेले नहीं खाती थी, लेकिन जब अम्मा ने कभी ये बनाने तो फिर मुझे ये होता था कि मुझे धागे इस तरह अनफोल्ड करने का मजा आता था, ये ठीक है बराबर। और ये इस तरह फोल्ड होना चाहिए कि ये फ्राइंग पैन में अनफोल्ड ना हो जाए, है ना? नहीं होंगे, इसको हमने इस तरह रख, पहले नीचे वाली साइड फ्राई होगी और फिर हल्की सी ये और फिर हल्की सी ये, हमने इसको इतना ज्यादा वो करना ही नहीं। तो जब ये करेले जो है ये सिर्फ तुम लोगों ने, तो मुझे लगता है मेरे लिए रखती हैं, तुम लोगों ने नहीं खाया? असल में मैं आपको बताती हूँ, हमने मंगवाए थे 1.5-2 किलो करेले और हमने 6 तुमने और मैंने मशवरा करके ये निकाले हर किसी बंदे के हिस्से में 2-2 करेले आ जाए, 2 बख्तावर के 2 जाफर के 2 मेरे और 2 आपके, बाकी पड़े हुए हैं। अच्छा सर, बाकी पड़े हुए ये 8 है, तो लेकिन हम इतने ही होने काफी है। लो जी बख्तावर, एक चम्मच से आप करें और एक से मैं करती हूँ फटाफट। बिस्मिल्लाह मुझे तो कीमे का मसाला बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार है, मजेदार लग रहा है। लो जी धागा, तो ये बख्तावर इस तरह तुम दूसरी तरीके से किसी बनाती हो? मैं काट के भी बनाती हूँ। अच्छा, काट के? हाँ, तो काट के तो करेले प्याज बनते हैं ना, या मटन। वो भी बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे यहाँ से जरा एक कैंची देना, वो कैंची काम नहीं करती आज। दो बता, तुम, मैं डालती जाती हूँ, तुम लपेटती जाओ। मुझे लपेटने में वाली हो रही है क्या मुश्किल? लो फिर तुम भर के दो, मैं लपेटती हूँ। लपेटना जो है ना, लपेटना छोड़ती जाओ, मैं लपेटती जाती हूँ। कौन कहता था मुझे भी है? कोई अगर बहुत ज्यादा लंबी लंबी छोड़ रहा हो ना, या बहुत ज्यादा लपेट रहा हो, फड़े मार रहा हो, तो दूसरा यूं यूं कर रहा होता है, तो पूछते हैं जी आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं लपेट रहा हूँ। हाँ, वो डोर इस तरह लपेटते ना, ऐसे 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 करके। ये देखे, अब ये देखे, ये गलती कि इसके, ये गलती गाइस, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ना करें, क्योंकि इसमें से कीमा बाहर निकल जाएगा। तो बख्तावर आप सब में डाले ना, कीमा लपेटूंगी मैं। तो भी दिल से उतर, थोड़ा डालो कीमा, ठीक हो, कीमे का कम घाटा नहीं होगा, हमने इसको कीमे में दबा देना है। अब फ्राई करने के बाद करेलों को हमने कीमे में दबा देना है, और इसको देना है फिर हमने दम, ये होगा, ये देखें अब, ये देखें, यानी इसको खूब टाइट करके, ये देखो बख्तावर, ये देख रहे हो, ये देखो, मैंने उसको लड़का बना दिया, मैं कह रही हूँ देख रहे हो। हम ओवर जज्बाती टीम है, लेकिन गाइस करेले ऐसे होंगे ना कि फिर आप लोगों को कभी कोई करेलों की रेसिपी मैं चाहती हूँ कि अच्छी ना लगे। आप दश्ते तन्हाई में भटकते रहे और ढूंढ कर रहे हैं कि मामा गिलोर वाली किधर गई रेसिपी, फिर आपको चैनल ऑन करना पड़ेगा। ये नीचे से वाली फटा हुआ है, इसके अंदर से कीमा तो नहीं, मैं लपेट दूंगी, तुम थोड़ा सा कीमा डाल लो। ठीक, तो भी दिल से वो ऑयल के नीचे जरा चूल्हा तेज करो ना, जरा मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वॉक भी करनी है और भाई बारिश होने का, मुझे ऑन है ना, ऑन है, तो बारिश होने का नहीं बल्कि ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, शुरू हो गई है, और मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले कि अभी कनियाँ पड़ रही है तो 2 चक्कर लगा रहा हूँ। अभी मैंने बख्तावर को नहीं बताया ना कि मैं करके क्या आई हूँ, क्या करती हूँ, खा आई हूँ दही भल्ले। मुझे नूरजहाँ के गाने बड़े अच्छे, गजलें बहुत अच्छी होती थी। नूरजहाँ की गजलें, गायकी अच्छी होती थी, गजलें तो किसी और की थी।
लेकिन शायरी वो अच्छी चूज करते हैं। हाँ, हाँ, जी ये देख ले हमारे भरे हुए करेले, गाँव में इसको बुत करेले भी कहा जाता है। अच्छा जी, बड़े करेले बुत करेले। अच्छा, बुत करेले बड़े। अब ये है देखें बाकी का बचा हुआ की ये, तो फिर ये इसको फ्रीज कर दो, अगले किलो काम आएगा। ओहो, इसको हम वापस इस बेच के में डाल लेंगे। हाँ? वो देखें। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ठीक समझ गए। और इनको फ्राई करके ठीक है इसमें डाल देंगे। हो गया होगा गर्म? हो गया होगा, हो गया। ये देखें इसमें आराम से। ये आवाज बड़ी अच्छी लगती है ना। अपना बाजू बंदी बचाना। ये वक्त जा रहा है इसे, ठीक है। अच्छा, इस कीमे के अंदर ये होंगे है ना? इसको फ्राई करके इसमें डाल के हम दम पे रख देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे करेले बड़े पसंद, बाद लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद रहते। नहीं नहीं, ये करेले बनते ही बहुत मज़ेदार है और इसके अंदर कीमे का और करेलों का जो एक फ्लेवर मिक्स होकर आता है ना। हाँ, अब ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। हाँ, तो फिर ये जो सारा कॉम्बिनेशन प्याजों का, टमाटरों का और करेलों का, वो तो है ही बहुत अच्छा। वैसे अगर थोड़ी सी कड़वाहट रहे तो वो भी बुरी नहीं लगती। हाँ, भाई हल्की सी कड़वाहट भी करेलों की मजेदार। हाँ, लगती है। हाँ, अब इसको हम टर्न करेंगे। कलर कितना अच्छा आया है। ये देखें, एक साइड इसको फ्राई हो गई। सही हो गया। हम इधर करें, जैसे ये करेले फ्राई होंगे इनको टर्न कर देंगे हम इनटू हमारा कीमा। ये हो गया, ये पूरा फ्राई हमारे। अब हमने इनको बारी बारी निकाल लेना और हमने डाल देना है कीमे में। कैसे गोल्डन गोल्डन हो गए। ये लास्ट ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लो जी, अभी इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल करेलों वाला, अगर किसी ने नहीं डालना तो ना डाले, लेकिन क्योंकि बिल्कुल कीमे में वो नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इस तरह से। और इसको मिक्स कर रहे हैं हम कीमे में। अभी टमाटरों का बीच में पानी है कीमे में इस तरह, ये मिक्स करके और इसको हल्की आग पे हम रख देंगे दम पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ओ ओ माय गॉड, उफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशबू अच्छी आई है ना। अब इसको करते हैं डिश आउट। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, वाह बच्चे, आपने बहुत कमाल ही कर दी। थैंक यू। मैं तुम्हें बताया था बाजी, ये बहुत अच्छी बनाती है। कुकिंग, एक सेकंड। अजान हो रही है। अजान हो गई है, मगरिब। अजान मगरिब। इसको अच्छे तरीके से हम, एक करेला हमारा और है। ऐसे गरम गरम भाप भी निकल रहा है, खाने का तो मजा अभी भी है ना जी। अभी ही लगाने लगी है खाना। वाह, खाना अभी लग जाएगा। हम लोग तो खा लेते हैं, हमारा अर्ली डिनर होता है हमेशा। तो ये है जी हमारी करेले कीमे की डिश।
तो आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बड़े अगले दिन और भी ज्यादा मजे के लगते हैं, क्योंकि ये नरम हो गए हैं ना, गल गए हैं और फिर पड़े हुए, और इसके अंदर टेस्ट सारा रच बस जाता है जितनी देर पड़े रहे। अच्छा अच्छा, बस इसके साथ अभी हमारी दाल है पतली सी बनी हुई मसूर और मूंग की, वो होगा गर्मा गर्म होगी रोटी। आज खाने पे पढ़ ली नमाज? हाँ, आज देखिए खाने पे मैंने हमने क्या कुछ अरेंज किया हुआ है। करेले, करेले और ये देखिए दाल, हांडी दाल जी, और शीर खुरमा। शीर खुरमा मतलब आज डिनर बहुत अच्छा हमने, मुझे मेरा फेवरेट मेन्यू है, मेरा भी फेवरेट है, प्रदीप का भी फेवरेट करेला, मैं आई लव करेला। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। आओ जी, ये मैंने अपने ले ली, मैं आजकल वेट कम कर रही हूँ तो मैंने अपने हिस्से की एक रोटी ही खानी है भाई। पहले तुम किसका वेट कर रही हो थी? जी ये कुछ ज्यादा तुम वेट कम कर रही हो, ये क्या कर रही हो? मैं रोटी के ऊपर रखूंगी क्योंकि जो आखिरी नवाले होंगे ना दो तीन, जिसके ऊपर ये करेला है, ठीक है, उसमें करेलों का। और ये देखें जी ये निकले, मेरा फेवरेट काम, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने काम। ये देखें ये धागा साइड पे हमने रखा यहाँ, और ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं खाना करेला। जब टर्र नहीं हो रहा, टर्र नहीं हो रहा। हो गया हो गया, पियानो दे दे, मैं पियानो साथ बजा दूँ। हो गया हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जी एक नवाला मेरा। हाँ अच्छा, आप यकीन करें जरा कड़वे नहीं है करेले, और इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है करेलों का। अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ यार, बहुत। और देखिए नरम कितने हमारे, देखिए कितने नरम हो गए हैं। यस दम पे रखने की वजह से। कैसा फ्लेवर है? और इस तरफ मैं ले लेती हूँ साथ थोड़ी सी दाल, जो कि बहुत मज़े की लग रही है, तो दोनों का कंबाइंड टेस्ट भी मज़े का आता है दाल के साथ। बहुत अच्छा, पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे हैं। गोरों के खाने तो कोई खाने होते हैं, जिसमें रोटी ना हो खाना नहीं होता। सही बात। तो अभी है जी डेजर्ट टाइम। डेजर्ट टाइम या देखिए चीनी शीनी, आज तो सारा बख्तावर ने खुद ही बना लिया था, मैंने तो बाद में आकर करेले बनाए हैं। कितने मार्क्स देंगे? 9। पूरे 10 कर दें आज। नहीं 10 कभी भी किसी को नहीं, 10 नहीं, 10 कभी भी किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला खाना खाली होता है। 10 में तुम्हें इनाम देना पड़ना था। गुंजाइश हमने छोड़ दी है, गुंजाइश होती है। दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ भी होगा उसको भी 9 मिलेंगे, 10 नहीं मिल सकते। ओके बादशाह सलामत। अगर आपको 10 नंबर होते तो आप अपनी अंगूठी उतार कर यूं दान कर देते। नहीं वो तो 9 पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला खाना हमेशा खाली होता है, लेकिन बना बहुत मजा आएगा। थैंक यू वाकई।